अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? टिकटॉक के अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। काफ़ी सारी देर हो गई है, आराम को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूं और मैंने एक और भी काम करना है वहां मस्जिद वाली जगह पे। और एक कारी साहब हैं, मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन उस सुबह मुझे कॉल आई थी कि अगर आपको मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए कारी की ज़रूरत है तो आप हमें बताएँ, मैं जो है ना वो हाजिर हूँ। तो मैंने उनको देखा तो नहीं है वैसे, लेकिन अब उनको मिलेंगे, उनके बारे में कुछ मालूम लेंगे तो फिर जो है ना हम उनको देखेंगे, अगर वो अच्छे हैं तो फिर उनको जो है ना वो हम अपनी मस्जिद में ठहराएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए, जुमा पढ़ाने के लिए और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, अरहम को स्कूल छोड़ते हैं। चलो अरहम, आज इसने यूनिफॉर्म भी पहन ली है। इसके सर ने कहा है कि जी यूनिफॉर्म पहन के आया करें। ये पिछली बार जो ताला ख़राब हो गया था, वो ताला हम अभी जा रहे हैं चेक करवाते हैं लॉक वाले से, लॉक मेकर से, अगर वो बनता है तो वो बनवा लेते हैं। और वैसे तो हम नया भी ले गए थे और ये इसको भी बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी महंगा है, तो चेक करेंगे, अल्लाह करेंगे बन जाएगी। कुरान पाक लेके आ गया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना, ये तर्जमे वाले कुरान पाक है, कल भी मैंने आपको दिखाया था। ये हमारी सिस्टर है, वो रावलपिंडी से, तो उन्होंने जो है ना डोनेट किए थे, हमें दिए थे, ये कुरान पाक भिजवाए थे। और ये जो है ना सफ़े वगैरह सब कुछ जो है ना, सफ़े और पंखे जो है ना, ये भी इन्होंने दिए थे। तो अभी इंशाल्लाह, अभी चालू तो नहीं होगी मस्जिद हमारी, लेकिन जब स्टार्ट होगी ना फिर दुआ करवाएंगे सब के लिए, और ख़ास तौर पर जिन्होंने हमें जो है ना इस मस्जिद के लिए अतिया किया, और ख़ास तौर पर जो अंकल हैं जो बनवा रहे हैं मस्जिद, उन्होंने भी हमें कहा था पहले कि जो भी इस मस्जिद के लिए देना चाहे हम उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन सारे जो है ना सारी मस्जिद उन्होंने खुद बनवाई है। तो फिर जो भी बंदा इसमें सवाब की नियत से जिसने भी दिया तो हमने लेके इस्तेमाल करवा दिया। और इधर से गाँव से भी एक बंदे ने सीमेंट का एक थैला दिया था, वो भी हमने इस्तेमाल करवाया इस मस्जिद में। और फिर जिस तरह पंखे दिए हमारी सिस्टर ने, और कुरान पाक भिजवाए हमारी सिस्टर ने, और ये जो है ना सफ़े ये भी उन्होंने दिलवाई थी, तो इसी तरह हमने उनको भी मना नहीं किया, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, जो भी देना चाहेगा हम उनको मना नहीं करेंगे, अल्लाह का घर अच्छा अच्छा बन जाए, इसलिए इससे बेहतर हमें और क्या खुशी हो सकती है। तो इंशाल्लाह इसको फुल कोशिश करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बात करने की, अब बात करेंगे इसको। और बल्ब जल रहे थे, मैंने जाते हुए देखा लाइट्स जो है ना वो ऑन थी बाहर वाली, तो मैंने कहा चले इनको ऑफ कर देते हैं। ये अब हो गए हैं जी ऑफ। तो चाबी घर वालों के पास, साथ वाले घर वालों के पास नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऑफ नहीं कर पाए। कल मैंने न्यू लॉक लिया था, तो इसकी चाबियाँ मैंने उनको नहीं दी, तो ये देंगे उनको चाबियाँ। और बाकी जो दूसरा लॉक था जो ख़राब हुआ था हमारा, वो नहीं बना, उन्होंने कहा है कि जी ये बेकार होते हैं, ये नहीं बनते, ख़राब हो जाए तो नहीं बनते। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं लेके आया था ये वाला, तो अब लगाते हैं दोबारा इसको लॉक। और ये कुरान पाक घर में रखते हैं, और एक दो कुरान पाक, एक मेरी सिस्टर को ज़रूरत था, एक मेरी दादी अम्मा हैं उनको चाहिए था, तो दो उनको दे देंगे, बाकी एक जो है हम अपनी मस्जिद में रख देंगे। तो फिर एक दो और गांव वालों ने भी, गांव वालों की औरतों ने भी कहा था, गांव की औरतों ने, तो उनको भी ना और मंगवाएंगे, फिर उनको भी देंगे। मैंने कहा हुआ है यहाँ दुकानदार को, वो लेता नहीं है, रखता नहीं है, जो अगर कहे कोई बंदा तो मंगवा देता है, तो फिर उनको दो तीन और का कहेंगे तो फिर वो और भी, यहाँ वो गाँव की एक दो औरतें हैं, उन्होंने कहा कि जो है ना हमें मंगवा के दें, तो हम उनको दे देंगे वो। तो जी इधर काम हो गया है स्टार्ट करना, कल जो पेंटिंग बनाई थी कुछ हमने बना ली थी और कुछ जो है हमने छोड़ दी थी, मतलब वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो अभी दोबारा से ना अहमद ने स्टार्ट कर दिया। और मेरे ख्याल में मिट्टी का तेल भी ख़त्म हो गया था, मिट्टी का तेल भी लेके आ गया हूँ ना मैं, मिट्टी के तेल की वजह से पेंटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हमने बनाई थी। तो असर बहन भाई कह रहे थे कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग ये हो वो हो, जंगल हो पेंडू हो, 50 उन्होंने बातें की। तो हम वैसे किसी को गलत तो नहीं कहेंगे, वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ना शौक है पेंटिंग करने का। अब देखें ये रेज हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ना मेहनत दिखा करें कोई, क्योंकि मैं आपको पता है
सिर्फ वीडियो के लिए जो है ना इतना मेहनत कर रहा हूँ और पेंटिंग कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो अच्छी चल जाए, अच्छे व्यूज आ जाए वीडियो के। तो आप मेहनत देखा करें फिर कमेंट किया करें, मेहनत देख के चलें, छोड़ें कमेंट को आप। तो ये देखें दीवार कितनी प्यारी लग रही है और नीचे ये बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से कमेंट को छोड़े, कोई एक आधा कमेंट आ ही गया होगा। तो अभी ये फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज ये क्या चीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये हमने छोड़ दी थी काफ़ी ना। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे बनाएंगे हम आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह खुश करें हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआएं हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हमने स्टार्ट की हुई है और ये बना रहे हैं पेंट। मिट्टी का तेल जो है वो कल से मुझे पता नहीं था कि इसका ढक्कन नहीं है, मैंने उठा के ना उसको ऐसे मतलब नीचे उसका मुंह कर दिया था, तो बाद में जब स्मेल आई तो मुझे पता चला कि ये खुला हुआ है। और अभी थोड़ा सा गिर भी गया है नीचे, और ये बाइक की देखें कितनी मिट्टी आ जाती है ना अंदर, ये देखें जैसे बाइक खड़ा करना होता है यहाँ पे मिट्टी हो जाती है। और ये भी मेरा आज टूट चुका है, अहमद ने ना कूड़ा उठाने वाला, इसको पता नहीं कहते क्या है, ये पहले भी टूटा हुआ था, इसके ऊपर बाइक आपने चलाई है और टूट गया है। वैसे इतना गुजारे का था, मतलब कूड़ा उठा लेते थे जो पकड़ने वाले साइड थे ना, गिरना था, हाँ। वो टूटा हुआ था इसका, फिर बाइक चुप चढ़ गई मेरे। तो आज देखते हैं कि ये कौन सा मैं नीचे कलर बनाते हैं, आज इसको मुकम्मल करूंगा इसी वीडियो में के अंदर। हाँ, तो कल क्योंकि पेंट खत्म हो गया था, वरना कल मैं खत्म कर देता। हाँ, तो कल मैंने ऐसे सिंपल सिंपल पेंट किया ना सिंपल सा, तो अक्सर बहन भाई कहने लगे कि इसकी करने की क्या जरूरत थी। हाँ, ये तो मैं भी इसको कह रही थी कि हम दीवार पे करते हैं क्योंकि नीचे आप ना करो, तो फिर इसने कहा कि नहीं ये पेंटिंग बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छी लगेगी नीचे। तो वैसे लग भी अच्छी रही है, लेकिन जैसे ही कम्प्लीट होगी तब ज्यादा लगेगी। तो मैंने इसे कहा था कि हम ना इस दीवार पे ना अपना पेंट मतलब पेंटिंग बनाते हैं। ये जो है ना ये फ्लोर के ऊपर पेंटिंग सही लगती है। हाँ, तो 3D है ना, ऐसे लगेगा जैसे गढ़ा है जमीन के अंदर, ऐसे हाँ, महसूस होगा। चलें जैसे जैसे बनती है फिर आपको दिखाएंगे। वैसे भी अच्छी लग रही है, मुझे ये हो गया कि मेरा जो नीचे सहन है ना वो पहले मतलब सीमेंट का था, अब ये ना ऐसा लग रहा है जैसे फर्श ऊपर डल गया हो। तो पूरा नहीं आप रहने दो, बस की तरह नहीं, नहीं ये जबरदस्त लगेगा। हाँ, तो पता है क्या, वो ना पेंट हो गया है ना, तो सिमर जो है वो पहले मतलब मैली मैली जैसे मिट्टी ऊपर हो जाती है ना, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी है, तो ये पेंट हो गया है ना ऐसा लग रहा है जैसे फर्श है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया तो इसके अंदर ना चमक आ गई है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा ये चलो अच्छा काम हो गया। अब ये देखें ये यहाँ से देखें और यहाँ से देखें आपको कैसे कितना फर्क नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये अभी ना तो ये सिंगल कोड है ना, डबल कोड जब होगा ना फर्श के ऊपर जबरदस्त हो जाएगा फर्श। हाँ, शाइनिंग आ जाएगी। और आप जाओ वो जो बोतल आपने बाहर फेंकी है ना ढक्कन सुराख वाली, वो लेके आओ। सुराख वो ढक्कन तो नहीं था, खाली थी ढक्कन था उसके साथ। ढक्कन किधर किया आपने, ढक्कन का पता नहीं। चलें जी आपको मैं बाहर का माहौल भी दिखा देती हूँ, ये देखें कितना ही प्यारा प्यारा लग रहा है। तो ये देखें और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ही मज़े की। घर में दीवारें होती हैं क्योंकि अंदर सहन में दीवारें हैं तो हवा इतनी नहीं लगती, बाहर क्योंकि खुला सहन है, खुला है मतलब खुली जगह है, तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की हवा लग रही है। और ये कपास भी हो गई है तो इतनी अच्छी मतलब नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी ना, ये वैसे नहीं हुई। तो ये बोतल पड़ी है, कल मैंने बाहर फेंक दिया था, अब इसको उठाते हैं और इसमें मिट्टी का तेल जो है वो डालना है। अभी लाइट भी जा चुकी है क्योंकि उसका टाइम हो गया है जाने का। अभी इन दिनों में मतलब कुछ दिन हुए हैं कि कुछ ज़्यादा ही लाइट जा रही है, लेकिन पहले इतनी नहीं जाती थी। अभी ब्रश धो रहा है, ये मिट्टी के तेल ना होने की वजह से ब्रश भी नहीं धोए थे, ऐसे रख दिए थे। ये ब्रश बिल्कुल सूखा पड़ा था, फिर अभी मैंने मेहनत की है इसको, 10 मिनट पूरा धोया है मैंने, इस वजह से तो मिट्टी का तेल जल्दी खत्म हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी ये पेंटिंग बनाए, फिर देखते हैं कि ये
तो जी ये बना ली है मैंने, अभी इसकी साइडें बनानी हैं और ये साइड बनानी है और यहाँ पे एक रस्सियाँ बनानी हैं, जो ये लकड़ियाँ हैं ब्लॉक हैं जो सीढ़ी के होते हैं, लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ना पहाड़ी सिलसिले में, लकड़ी की सीढ़ी होती है वो मैंने यहाँ पे बनानी है। तो इस साइड पे भी रस्सी बनानी है, इस साइड भी रस्सी बनानी है। तो ये ब्लॉक जो है ना रस्सी के ऊपर बंधे हुए होंगे और साइड जो है ना ये मैंने साइडों को मेन जो है ना वो साइडें हैं, साइडों को मैंने इस तरीके से तरतीब देना है कि ऐसे लगे कि फर्श के ऊपर गढ़ा है और नीचे से आसमान नजर आ रहा है और ऊपर से ना सीढ़ी है, सीढ़ी से बंदे गुजरेंगे, ऐसे मैंने जो है ना इसको बनाना है। तो अभी चलते हैं अरहम को देखते हैं स्कूल से, उसका टाइम जो है ना हो चुका है। हाँ जी अरहम, बाल कटिंग हो गई आपके? हाँ। अच्छे लग रहे हैं अब? पैसे नकली पैसे? नकली पैसे क्या करोगे आप? आपको चीज लेके देता हूँ खाने की, ठीक है? अच्छा ये आपकी आंख पे क्या हुआ है? इसकी आंख है ना मतलब क्या चीज निकल रही है अभी? हैं क्या है, चूंटी ने काटा है क्या? नहीं मच्छर ने काटा है। मच्छर ने काटा है? अच्छा अभी दोपहर को ना भूख लगी हुई थी तो समीना ने चावल बना लिए, ये मेरे ख्याल में पिछली बार जब मैंने लिए थे ना वो चावल बचे हुए हैं, तो आराम और मैं जो है ना इसको खा रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। पिछली बार जब बनाए थे ना उस वक्त बहुत टेस्टी बने हुए थे, आज ही बहुत टेस्टी हैं। तो काम जो है ना वो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ रहता है कुछ मैंने कर लिया है, तो अभी कुछ देर तक कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं अगला जो काम हमें क्या करना है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं ये पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो ये भी आ गई है, ये सोई हुई थी, इसको मैंने जगाया, मैंने कहा आप आओ चेक करो इसको, पेंटिंग देखो कैसी बनी हुई है। तो अभी आप देखें, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्श के नीचे एक और आसमान निकल आया है, लग रहा है आपको? हाँ पक्की बात है? हाँ बस सही है। सही सही बताओ, मेरा हार्ट अटैक ना करवाओ। बस सही है। बस सही है क्या मतलब? दो दिन हो गए मुझे बनाते हुए, कहती है बस सही है। देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फर्श के ऊपर एक अलग से आसमान निकल आया हो नीचे से, उसको अगर ना देखा जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई हों और एक और आसमान नज़र आ गया हो। ब्यूटीफुल लग रहा है ना? हाँ जी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाई, हमने पेंटिंग जो है ये मुकम्मल कर दी है। तो अब देखें बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त लग रही है। तो कल कुछ बहन भाइयों ने ना मुकम्मल नहीं देखी थी, सिर्फ मैंने ब्लू कलर यहाँ पे लगाया हुआ था, तो सब कह रहे थे कि जहाँ ये इस कलर का लगाने का क्या फ़ायदा था। तो अब देखिए मुकम्मल हो चुकी है ना, अब अच्छी भी लग रही है। तो अब सब बहन भाई ने बताना है कि ये पेंटिंग जो है वो कैसी बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है या ख़राब बनी हुई है। तो मैंने फुल कोशिश की है इसको प्यारा से प्यारा बनाने की, तो इससे भी प्यारा बना सकता था लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा था, क्योंकि आपको पता है आप सबको भी दिखाना होता है मुकम्मल करके इसको। अगर मैं आज ना दिखाता तो फिर सब कहते कि ये पता नहीं कैसा है, और सबसे पहले ये कहती कि तुम बड़े पेंटर आए हैं, तीन चार दिन लगा देते हो एक पेंटिंग को। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना टाइम देंगे ना, जितना आप उस पर मेहनत करेंगे उतना निखरती चली जाएगी। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप जाओ स्टेप वाइज पाँव रखती जाओ, मैं पकड़ती हूँ, आप जाओ रखो। ये जो है ना एक अलहदा सकाई से गुजर रही है, अब देखते हैं ये कैसे गुजरेगी। ये अभी ना पेंट गीला है, ये पाँव कुछ रुकता है। आप जूते उतार के आओ ना, नहीं ये जो साइड है ना, ये जो रस्सी है इस पे पाँव नहीं रखना आपने, रस्सी के ऊपर, ये गीली है, बाकी खुश्क है। ये देखें जी बिल्कुल ओरिजिनल नीचे वाला सकाई लग रहा है कि धरती के ऊपर से ना आसमान निकल आया एक और, है ना। हाँ तो प्यार बहन भाइयों, आप सब ने हमारी सपोर्ट करनी है और वीडियो को जो है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपने बहन भाइयों से भी कहना है जिनके पास आप शेयर करें उनको कहना है कि ना वीडियो को पूरा पूरा देखा करें और आगे भी शेयर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके और हमारा कुछ फ़ायदा भी हो सके, है ना। हाँ तो आप सबसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है हमारी। तो ये हमारी पेंटिंग थी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अलहदा अगली वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ पेंटिंग करेंगे या कुछ व्लॉग बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।